All right, MG family, hope so you are well and good and welcome back to my YouTube channel, MG's Throttle. So guys, काफ़ी महीनों बाद, मेरे ख्याल से 2 महीने बाद ये वीडियो आ रही है और इसका भी एक रीज़न था। सबसे पहले सॉरी कहना चाहूँगा कि इरेगुलर हो गया था यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम्स थे वो पास आ गए थे और जस्ट 1 महीने पहले मैंने सब कुछ बंद कर दिया था। बस इंस्टाग्राम पर थोड़ा बहुत रेगुलर रहा था और बाकी तो ये कहूँगा कि वीडियोस के लिए कंटेंट बनाने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता और काफ़ी कुछ मुझे फेस करना भी पड़ा इस बीच में, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि यार यूट्यूब चला रहा है ये है वो है, घर पे आके शिकायत करते थे। सो ये सब देखो नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं ना वो हमारी सोसाइटी में रहती है, क्योंकि कई बार सोसाइटी के लोग कहते थे भाई देखो बोर्ड एग्ज़ाम पास में आपका लड़का ये है वो है, अभी भी ये सब कर रहा है क्या कर रहा है फालतू की चीज़ें। सो इन सब पर मैंने ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया था, पर थोड़ा तो ये होता है कि पापा के दिल में लगा था कि नहीं यार कहना चाहिए, तो पापा ने कहा मैंने माना, तो अब 2 महीने बाद ये वीडियो आ रही है। बाकी बात करते हैं, अब यहाँ से रेगुलर ही रहेगी, क्योंकि इस वीडियो का जो क्रेडिट है वो मैं देना चाहूँगा प्रिंस आर्मी भाई हैं, जो उन्होंने मेरी वीडियो पर कमेंट करा था कि भाई यार टेल टाइडी पे वीडियो बनाओ क्योंकि फ्रेश बनाओ। सो मैंने कहा ठीक है भाई बनाऊँगा, फिर और मैसेज करा जिसकी वजह से मैं इतना मोटिवेट हो गया कि मैंने बना ही दिए वीडियो। तो थैंक यू प्रिंस आर्मी भाई, आपकी वजह से काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिला और इसके बाद अब वीडियो रहेंगे रेगुलरली रहेंगे, हालांकि एक दिन छोड़ एक दिन आएंगे, पर रेगुलर टॉपिक है वो टेल टाइडी के ऊपर है। तो जिन लोगों ने नहीं समझ में आई है, क्योंकि मुझे खुद भी परेशानी हुई थी जब मैंने नई नई टेल टाइडी करी थी, कोई कॉस्ट नहीं थी इसमें, बस मैंने 5 रुपये की जो पत्ती आती है, पत्ती कहते हैं जो आपके दरवाजे में लगती है पतली वाली एल इस टाइप की, तो उसको मैंने सिर्फ खरीदा था, तो उसी को मैंने 20 से कटवा के अपनी नंबर प्लेट्स में वेल कराया था। सो पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा दोबारा से, आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या होने वाला है। सो गाइस दिखाता हूँ आपको अपनी, मैं अपनी बाइक की नंबर प्लेट्स, हो यह है मेरी बाइक की नंबर प्लेट और आप लोग देख सकते हो कि उसके ऊपर ये वाली जो पत्ती है वो, नोटिफिकेशन को भाई यार इग्नोर मार देना, तो ये जो आपको ये दिख रही है एक इतनी बड़ी जिसपे ये नंबर, जिस पे नंबर प्लेट और ये लगे हैं। सो ये बाइक में से ही निकाली, आप लोग देख सकते हो इसमें पहले से ही होल है इंडिकेटर्स के लिए। तो हाँ ये जो स्टॉक आपके पल्सर में लगते हैं इंडिकेटर, ये उसी के मडगार्ड के अंदर देते हैं ताकि ये सपोर्ट रहे। और बाकी आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ भी गंदे हो रहे हैं, क्योंकि इस पर जब मैं नंबर प्लेट को वेल्ड कराने गया था तो इसमें भाई ने, अंकल ने एक सोल्यूशन लगाया था ब्लैक कलर का, पता नहीं कोई लिक्विड टाइप वो सॉलिड टाइप था, तो उससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है। अभी दिखा तो नहीं पा क्योंकि गंदी है नंबर प्लेट और अभी साफ़ करा था, तो अभी क्या बताएं चलती रहती तो गंदी हो जाती है। बाकी आपको दिखाऊं नंबर प्लेट जो है वो आपको ऐसी ही मिलेगी, ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये वाली, ये आपके नंबर बाइक में ही अटैच होगी। जब आपकी नंबर प्लेट लगती है, जब आपकी नंबर प्लेट लगेगी तो ऐसे करके लगेगी। बाय द वे नंबर मैं इसको छुपा ले रहा हूँ गाइस, कहते हैं नंबर नहीं दिखाना चाहिए, फिर भी ऐसे करके लगी थी। तो ये वाली पत्ती आपके साथ में आएगी, इसकी कोई कॉस्ट नहीं। अगर रियलिटी बताऊं मुझे कितना खर्चा आया, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पत्ती जो मैंने ख़रीदी, ये वाली पत्ती की बात कर रहा था, तो इससे इनको ख़रीदने के मुझे 5 रुपये देने पड़े, क्योंकि ये दोनों साइड आती है, तो बीच में से मैंने इन दोनों को कटवा दिया था और इनमें थोड़ा सा कील ठुकवा के मैंने छेद बड़ा करवा दिए थे ताकि नट उसमें अच्छे से चला जाए, नट बोल्ट टाइट हो जाए। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं जितना भी पार्ट है सब मैंने गाड़ी का ही लिया है, बाइक का ही पार्ट लिया है, ये भी आपका बाइक का है और नंबर प्लेट के जो पीछे की ये जिसमें स्क्रू है ये भी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जैसे मैंने बनाई है ये नंबर प्लेट वैसी बनाएं, अगर आपको कभी स्टॉक करने की ज़रूरत पड़ी तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको यहाँ से ऊपर आप लोग देख सकते हैं वेल्ड लगे हैं मेरी बाइक इसमें, तो सिर्फ आपको सिंपली वेल्ड छुटाने हैं और बाकी आपकी नंबर प्लेट बिल्कुल रेडी हो जाएगी, आप फिर से स्टॉक कर पाओगे। सो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी, तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी और अगर समझ नहीं आया हो तो भाई कमेंट करना और ज़रूर बताना कि समझ आई नहीं आई, वरना फिर भाई अगली वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे शो हो रही है। सो गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना और चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आज से व्लॉग्स आपके कंटिन्यू रहेंगे ही रहेंगे। सो गाइस चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे ट्यून्ड विद मी एमजी थ्रॉटल।